आखिरकार वीटो पावर मिलने का इंतजार खत्म ही हो गया, क्योंकि जो चीन भारत को वीटो पावर मिलने और यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने से रोकने की कोशिश कर रहा था, उसी चीन के ऊपर रूस और अमेरिका सीधा टूट चुके हैं और यूनाइटेड नेशन भारत को यूएन का स्थायी सदस्य बनाने पर मजबूर इसलिए हो चुका है क्योंकि हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी कूटनीति से यूनाइटेड नेशन को इतनी तगड़ी फटकार लगाई है कि उनके पास भारत को परमानेंट सीट देने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी एक सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट में आई लव माई इंडिया जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको देश और दुनिया से जुड़ी हर एक जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, कुछ दिन पहले शुरुआत में तो भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनाने और भारत को वीटो पावर देने पर अमेरिका ने अपना सपोर्ट दिखाना शुरू किया। हालांकि जब बीच में चीन कूद पड़ा और चीन ने भारत के लिए इस बिल को पास करने की रोक लगानी शुरू कर दी तो भारत के वीटो पावर मिलने और यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनाने का इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। लेकिन इसी बीच एक ऐसी रिपोर्ट निकल कर आई जिसने भारत को वीटो पावर मिलने और यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने पर एक नया मोर्चा खड़ा कर दिया। दरअसल आज से दो दिन पहले ऑस्ट्रेलिया की ग्लोबल पावर शोधकर्ता लॉबी इंस्टीट्यूट ने जब एशिया पावर इंडेक्स को पब्लिश किया तो उसमें जो रिपोर्ट लिखी गई थी उसे देखकर सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि रिपोर्ट में साफ साफ देखने को मिला कि जो भारत मिलिट्री पावर के मामले में जापान और रूस से पीछे हुआ करता था वही भारत इतिहास के सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए और साथ ही रूस और जापान जैसे सुपर देश को ओवरटेक करके तीसरी पोजीशन पर अपनी जगह बना लिया है, जिसमें अमेरिका और चीन को छोड़ दिया जाए तो इसके बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा पावरफुल देश बन चुका है। यानी कि जो देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पावरफुल देश हो उसके पास वीटो जैसी कोई खास पावर ना हो, यह एक बड़ा सवाल बन गया। क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन के स्थायी सदस्य में अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल है और इन पांचों देश के पास वीटो पावर है। फिलहाल जो पावरफुल देश की लिस्ट जारी की गई है इसमें 27 देश को इंक्लूड किया गया है, जिसमें अमेरिका और चीन तो पहले दूसरे नंबर पर हैं और रूस अपनी पोजीशन से खिसक कर छठवें नंबर पर चला गया। लेकिन जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है वह यह है कि फ्रांस और ब्रिटेन का नाम इन 27 पावरफुल देश की लिस्ट में कहीं भी देखने को नहीं मिला। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो देश 27 पावरफुल कंट्रीज के लिस्ट से पूरी तरह बाहर है वह तो वीटो पावर लेकर अपनी मनमानी कर रहा है, लेकिन भारत जैसा देश जो कि तीसरा सबसे बड़ा पावरफुल देश बन चुका है उसके बावजूद भी भारत को ना तो यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनाया जा रहा है और ना ही वीटो पावर मिलने पर चीन जैसे देश राजी हो रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो यहां पर भारत को यूनाइटेड नेशन का छठवां परमानेंट मेंबर बनाने की बजाय फ्रांस और ब्रिटेन को बाहर करके भारत को स्थायी सदस्य बनाना चाहिए, और यदि भारत के साथ ऐसा नहीं किया जाता तो आगे चलकर भारत खुद अमेरिका और चीन जैसे सुपर पावर देश के लिए ही भारी पड़ेगा। हालांकि भारी पड़ेगा यह तो दूर की बात है, ऐसा होना भी शुरू हो चुका है, क्योंकि चीन जैसा देश जो कि खुद यूएन का परमानेंट मेंबर है और वह अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने से रोके, इसे भारत बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। इसीलिए हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन को तगड़ी फटकार लगाते हुए इस बात का दावा कर दिया है कि यूनाइटेड नेशन को बंदी की तरह रखा गया है और भारत जैसे ग्लोबल साउथ देश को जो कि विकास करते हुए तीसरा सबसे बड़ा पावरफुल देश हो गया है फिर भी नजरअंदाज किया जा रहा है। और यहां तक जयशंकर जी ने यूनाइटेड नेशन के पुराने कानून को बदलने की बात सामने रख दिया है और भारत के लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात भी नहीं है क्योंकि अब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पावरफुल देश बन चुका है। इसी बीच आपको यह भी बताते चलें कि भारत को पावरफुल देश बनाने में भारत की सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर की कंपनियों का बहुत ज्यादा हाथ है, लेकिन इसके बाद भी भारत को यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य बनने से चीन रोकने की कोशिश कर रहा है, जबकि फ्रांस और ब्रिटेन जिसका पावरफुल कंट्री की लिस्ट में नामों निशान नहीं है ये वीटो पावर लेकर बैठे हुए हैं और इन्हीं के कारण
जिस तरीके से एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन को फटकार लगाई है, अगर इसके बावजूद भी चीन जैसे देशों की बात मानकर भारत के खिलाफ भेदभावपूर्ण रवैया रखते हैं, तो आज के समय में भारत के पास इतनी पावर है और दुनिया भर के इतने ज्यादा देश का साथ है कि भारत खुद यूएन जैसे संगठन को जन्म दे सकता है। और अब भारत की ताकत को देखकर चीन को फटकार लगाने के लिए रूस, फ्रांस और अमेरिका ने भी कमर कस लिया है और भारत के सपोर्ट में बयान दे दिया है कि भारत को कुछ भी करके जल्द से जल्द यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनाया जाए। दोस्तों, भारत ने हाल के वर्षों में जिस तरह से वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उसे देखकर यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है कि आने वाले समय में भारत ही विश्व गुरु बनने जा रहा है। यह सब देखते हुए चीन और पाकिस्तान समेत कई देशों में खलबली मची हुई है। कुछ ऐसे देश भी हैं जो कभी भारत के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही संयुक्त राष्ट्र में भारत के पक्ष में प्रस्ताव आने लगा, वे इसके विरोध में खड़े हो गए। भारत को अब यह भी समझ में आ गया है कि उसके पुराने दोस्तों पर जो उसे गर्व था, वह अब टूट चुका है। भारत के सामने कुछ छुपे हुए दुश्मन भी अब खुलकर सामने आ गए हैं, जो देश पहले भारत की तारीफ करते नहीं थकते थे और हर मुद्दे पर भारत का समर्थन करते थे। वही देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के लिए वोट देने की बारी आने पर पीछे हट गए। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत के विरोध में वोट भी दिया। दोस्तों, भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीट मिलने की प्रक्रिया को अमेरिका ने पूरी तरह से मंजूरी दे दी है और क्वाड की स्थापना के साथ भारत को वीटो पावर मिलने का रास्ता भी साफ हो रहा है। दरअसल जब भारत ने सुरक्षा परिषद में अपना दावा पेश किया, तो दुनिया भर के कई देशों ने खुलकर भारत का समर्थन किया। भारत को लगा कि 200 में से लगभग 190 या 150 देशों का समर्थन मिलेगा, लेकिन जब अमेरिका और रूस दोनों ने एक साथ मिलकर भारत के समर्थन में प्रस्ताव पेश किया, तो कई देशों में खलबली मच गई। उन देशों को उम्मीद नहीं थी कि अमेरिका और रूस, जो आम तौर पर एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, इस मुद्दे पर भारत के लिए एकजुट हो जाएंगे। अमेरिका ने एक बार फिर से भारत के साथ अपनी दोस्ती की वह मिसाल पेश कर दी है जिसको लेकर के पूरी दुनिया को अब तक शक था। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ चुकी है। भारत की बढ़ती ताकत और स्थायी सदस्यता को लेकर दुनिया के कई देश भारत के प्रशंसक बन चुके हैं। वे देश जो अब तक भारत का किसी ना किसी रूप में विरोध कर रहे थे, अब भारत का समर्थन करने लगे हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि भारत की ताकत वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ रही है और वह फिर से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत को अध्यक्ष बनाए जाने और संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर के लिए बिल पास होने के साथ ही 179 देशों का भारत को समर्थन मिलना, इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारत की प्रतिष्ठा एक बार फिर से विश्व में ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। पाकिस्तान के हालिया संयुक्त राष्ट्र द्वारे से भी यह बात साफ हो गई है। एक दिन पहले चीन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारी बेइज्जती हुई और अमेरिका में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कोई सम्मान नहीं हुआ, ना ही अमेरिकी अधिकारियों ने उन्हें कोई खास तवज्जो दी। इससे दुनिया ने भारत का बढ़ता कद तो देखा ही, साथ ही पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती भी सबके सामने आई। इसके बावजूद अब जो खबर आ रही है वह और भी बड़ी है, वह विषय जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी अब चर्चा का केंद्र बन चुका है। जी हां, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर भारत से टकराता आया है। संयुक्त राष्ट्र में जब भी भारत पर चर्चा होती है, पाकिस्तान हमेशा पीओके का मुद्दा उठाता रहा है। एक बार फिर उसने वही मुद्दा उठाया, लेकिन इस बार जो हुआ उसे सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। इस घटना के बाद पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई है, क्योंकि उसके सबसे करीबी दोस्त ने उसे ऐसा तगड़ा धोखा दिया है कि पाकिस्तान की हालत गंभीर हो गई है। एक नहीं बल्कि दो देश, पहला तुर्की और दूसरा चीन ने पाकिस्तान को इस मामले में बड़ा झटका दिया है। अब पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो गई है कि वह ना घर का रहा और ना घाट का उसके पास। अब सिर्फ एक ही विकल्प बचता है कि वह भारत से समझौता करें, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में स्थिति बदल चुकी है। तुर्की ने ऐसा क्यों किया? आखिर क्या कारण रहा कि तुर्की, जो हमेशा से पाकिस्तान का समर्थन करता था और पीओके पर भारत का विरोध करता था, वह कैसे अचानक अपना रुख बदल लिया?
तुर्की के प्रधानमंत्री के साथ क्या हुआ कि उन्होंने अपना मन बदल लिया? दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान ने जब से संयुक्त राष्ट्र में कदम रखा है, तब से उसकी लगातार बेइज्जती हो रही है। कई देशों ने उसे फंडिंग से साफ मना कर दिया है, जिनमें अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका, जो अब तक पाकिस्तान को लगातार आर्थिक मदद और कर्ज दे रहा था, उसने अब स्पष्ट रूप से पाकिस्तान को आगे किसी भी तरह की फंडिंग देने से इनकार कर दिया है। इसी तरह चीन ने भी, जो अब तक सैन्य और आर्थिक सहायता के रूप में पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था, इस बार अपने हाथ खींच लिए हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खबर तुर्की से आई है, जिसने पाकिस्तान को सबसे कठिन समय में धोखा दिया है। तुर्की, जो हमेशा से पीओके और अन्य मुद्दों पर पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है और संयुक्त राष्ट्र में भारत का विरोध करता रहा है, उसने अचानक से अपना रुख बदल लिया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने पाकिस्तान को ऐसा झटका दिया है जिसे पाकिस्तान शायद ही कभी भूल पाए। जब भी पाकिस्तान का मुद्दा उठता था, तुर्की हमेशा कश्मीर पर पाकिस्तान का पक्ष लेता था और भारत का विरोध करता था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। यह पहली बार हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में तुर्की ने कश्मीर के मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की। तुर्की ने कश्मीर को सीधे तौर पर नजरअंदाज करते हुए कहा कि वह भारत की संप्रभुता पर कोई राय नहीं देना चाहता। तुर्की ने यह भी स्पष्ट किया कि उसे इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि भारत अपनी संप्रभुता को लेकर बेहद सजग है, और यदि कोई इसे चुनौती देता है तो उसे इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तुर्की के इस बदले हुए रुख के पीछे की असल वजह कुछ और ही है, जो अब साफ दिखाई दे रही है। असल में तुर्की का यह हृदय परिवर्तन ब्रिक्स समूह से जुड़ा है, जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का सबसे प्रमुख संगठन बन चुका है। पाकिस्तान इस समूह का हिस्सा नहीं है, लेकिन तुर्की इसमें शामिल होने की तैयारी कर रहा है। हाल के वर्षों में ब्रिक्स समूह में 8 से अधिक नए देशों की एंट्री हो चुकी है, और यह संगठन एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली समूह के रूप में उभर रहा है। तुर्की को यह बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी है कि अगर उसे ब्रिक्स में जगह बनानी है या स्थायी सदस्यता चाहिए, तो उसे भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना होगा, क्योंकि ब्रिक्स का मूल सदस्य और इसके गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला देश भारत ही है। अगर भारत ने तुर्की की एंट्री का विरोध किया, तो कोई अन्य देश उसे इसमें शामिल नहीं करा पाएगा। इसी वजह से तुर्की ने इस बार भारत की संप्रभुता का सम्मान करते हुए उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। उनका सीधा संकेत यही था कि अब तुर्की कश्मीर के मुद्दे पर भारत के सामने कोई रुकावट नहीं बनेगा। इस बदलाव से पाकिस्तान बुरी तरह हिल गया है, क्योंकि अब वह देश भी, जो पहले कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करते थे, उससे दूर हो गए हैं। पाकिस्तान के पास पहले से ही केवल 2-3 ही समर्थन थे, और अब वे भी उसका साथ छोड़ रहे हैं। अब बात आती है चीन की, जिसने भी इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। चीन, जो अब तक यह कहता आया था कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, अब भारत के दावे को मान्यता देने के लिए तैयार है। इसकी मुख्य वजह यह है कि भारत संयुक्त राष्ट्र में एक स्थायी सदस्य के रूप में अपनी जगह बना रहा है, और उसे अध्यक्षता भी सौंपी जा रही है। ऐसे में चीन को डर है कि भारत वीटो पावर में भी भविष्य में बड़े बदलाव ला सकता है, जिससे चीन की शक्ति प्रभावित हो सकती है। इस डर से चीन ने भारत को समर्थन देना शुरू कर दिया है। इसी बीच चीन ने क्वाड समूह पर भी हमला बोलते हुए उसे निशाना बनाया। लेकिन इसके जवाब में भारत ने जो प्रतिक्रिया दी है, वह सुनकर आप भी खुशी से झूम उठेंगे। क्वाड एक ऐसा समूह है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे ज्यादा सक्रिय है, खासकर दक्षिण चीन सागर में, जो चीन से सटा हुआ समुद्री क्षेत्र है। इस समूह में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत प्रमुख सदस्य हैं, और यह समूह चीन के विस्तारवादी कदमों का सामना करने के लिए एकजुट हुआ है। अब तक क्वाड समूह में केवल 4 देशों को शामिल किया गया है, लेकिन यह चारों देश दुनिया के आधे से अधिक हिस्से पर अपनी मजबूत उपस्थिति और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह 4 देश अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में शामिल हैं, और इनके गठजोड़ से बना यह समूह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक प्रभावशाली है। इसी कारण चीन बुरी तरह परेशान हो चुका है। चीन ने खुले तौर पर कहा है
कि क्वाड समूह की जिस तरह से बैठकें हो रही हैं और उनकी गतिविधियां बढ़ रही हैं, यह उसके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। चीन इस तथ्य को अच्छी तरह समझता है कि अगर वह अब दक्षिण चीन सागर में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है तो क्वाड समूह उसकी हरकतों का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका ने अपनी सैन्य शक्ति को और साजो सामान को अब दक्षिण चीन सागर में तैनात करना शुरू कर दिया है और यह क्वाड के माध्यम से हो रहा है। यह पहली बार है जब क्वाड समूह इतनी तीव्रता से सक्रिय हुआ है। क्वाड के देश जिनमें भारत भी शामिल है, अमेरिका ने अपने सबसे शक्तिशाली हथियारों का जखीरा जापान और ऑस्ट्रेलिया के उन रणनीतिक इलाकों में तैनात करना शुरू कर दिया है जो सीधे दक्षिण चीन सागर से जुड़े हुए हैं। इस सैन्य गतिविधि ने चीन को गंभीर चिंता में डाल दिया है। चीन इस स्थिति को लेकर स्पष्ट है कि अगर वह अपनी सैन्य शक्ति के बल पर पाकिस्तान का समर्थन करता है या दक्षिण चीन सागर में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश करता है तो उसे इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस पूरे परिदृश्य में भारत की भूमिका बहुत अहम है। भारतीय नौसेना जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में से एक है, चीन के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। यह आश्चर्य की बात हो सकती है कि नौसेना की ताकत के मामले में भारत अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नौसेना रखता है। यह स्थिति खास तौर पर दक्षिण चीन सागर में भारत की स्थिति को और भी महत्वपूर्ण बना देती है, क्योंकि अगर चीन ने इस क्षेत्र में कोई भी आक्रामक कदम उठाया तो भारतीय नौसेना उसका कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है। पूरी सैन्य क्षमता के संदर्भ में भले ही चीन की ताकत भारत से अधिक हो, लेकिन समुद्री क्षेत्र में भारत की स्थिति बेहद मजबूत है। भारत की नेवी अमेरिकी नेवी के बाद वैश्विक स्तर पर दूसरी सबसे प्रभावशाली नेवी मानी जाती है। भारतीय नेवी की यह मजबूत उपस्थिति न केवल दक्षिण चीन सागर में भारत के हितों की रक्षा करती है, बल्कि क्वाड समूह के अन्य देशों अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के विस्तारवादी कदमों पर लगाम लगाने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस बढ़ते तनाव के बीच क्वाड समूह की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। क्वाड न केवल एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए काम कर रहा है, बल्कि वह चीन के खिलाफ एक सामूहिक ताकत के रूप में उभर रहा है। क्वाड के चारों देश जो वैश्विक शक्तियां हैं, चीन की आक्रामक नीतियों का मुकाबला करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। इस प्रकार क्वाड का प्रभावी और सक्रिय होना चीन के लिए एक गंभीर चुनौती पेश कर रहा है, और यह स्पष्ट संकेत है कि चीन को अब अपने विस्तारवादी कदमों पर पुनर्विचार करना होगा। कुल मिलाकर क्वाड समूह की बढ़ती सक्रियता और चीन के खिलाफ उसकी सामूहिक रणनीति ने वैश्विक राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। क्वाड देशों का एकजुट होकर कार्य करना यह दर्शाता है कि अब कोई भी देश, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, बिना किसी प्रतिरोध के अपने विस्तारवादी कदम नहीं उठा सकता। यह समूह जिसमें भारत की प्रमुख भूमिका है, चीन के खिलाफ एक कड़ा संदेश भेज रहा है कि किसी भी प्रकार की आक्रामकता का माकूल जवाब दिया जाएगा, चाहे वह समुद्री क्षेत्र में हो या किसी और क्षेत्र में। दोस्तों, आने वाले दिनों में भारत से जुड़ी कई बड़ी खबरें सामने आ सकती हैं, इसलिए उन सभी अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में आई लव माई इंडिया लिखना ना भूलें।